कैसे हो? वेलकम। सर ये आपका स्टडी रूम है? ये रविंद्र हरेश्वर महात्रे महात्रे ये व्यक्ति कौन थे, कुछ आइडिया है आपको? थोड़ा बहुत सुना, नाम सुना है, थोड़ा नाम सुना है। किस सिलसिले में सुना है? और एक ब्रिज भी है उनके नाम से पूना में। हाँ पूना में ब्रिज है। हाँ। लेकिन विडम्बना ये है कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये किस महानुभव के नाम से ये उसका नामकरण किया गया है जी। ये एक हमारे विडम्बना है और ये दुख की भी बात है। यहाँ से भी हमारे विदर्भ से कई लोग गए हैं, अपनी आजमाइशी की है, लेकिन इतिहास के तरफ देखने का जो नज़रिया है वो अभी भी उदासीन भरा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि उसमें सुधारना होना चाहिए। हम क्रिकेटर और फिल्म स्टारों को तो अपना हीरो बनाते हैं, लेकिन जो लाइफ टाइम हीरो है उन्हें हम भूल जाते हैं। और जो देश अपने शहादत जिन्होंने दी है देश के लिए, उनको जब भूलता है तो शत्रु के सामने वो टिक नहीं पाता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो जो लोग अपने शहीदों को याद करता है, उनके त्याग को याद करता है, वही देश आगे बढ़ता है, ऐसा आज तक का हजारों सालों का इतिहास बताता है। तो उस मद्देनज़र हमें इन अनसंग हीरो बोलिए, क्योंकि आज उनका नाम तो कम ही सुना ही आता है, कम ही लोगों को मालूम होता है, शायद यंग जनरेशन को तो कई लोगों को उनका नाम भी याद ना हो, है ना, ये भी संभव है। तो लॉकडाउन का इस लाभ उठाते हुए, बोन इन डिस्गाइज कहिए, तो ये एक हमने सोचा है कि क्यों ना इस ऐसे वीरों को याद किया जाए, उनकी स्मृतियों को जगाया जाए और युवा जनता के सामने, युवा पीढ़ी के सामने एक सही आदर्श प्रस्तुत किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोगों ने ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। जी हाँ। और एक आपका लेख भी था इसके ऊपर में आपने। हाँ, एक दो साल पहले तरुण भारत, नागपुर के तरुण भारत में ये। तो एक फॉरेन सर्विस होती है हमारे यहाँ, विदेश सेवा, उसकी परीक्षा काफ़ी टफ होती है, और उस परीक्षा में जो आदमी उत्तीर्ण होता है वही हमारे जो विभिन्न देशों में जो वकालत है, वो कॉन्सुलेट है, दूतावास है, उनमें उनका पोस्टिंग होता है। ऐसे ही एक शख्स का नाम है रविंद्र हरेश्वर महात्रे। उनका जन्म 26 मई 1935 में हुआ था, यानी कुछ चंद दिनों पहले ही उनकी 50वीं जयंती हो गई है। तो ये भी एक हमारे लिए एक संजोग की बात है कि उनके जयंती के कुछ ही दिन बाद हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये एक व्यक्ति ऐसे थे कि उन्होंने ग्रेजुएशन 1954 में किया, उसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर की और विदेश सेवा में वो दाखिल हुए। उनकी खासियत एक थी कि वो उनकी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच और पश्तो, इन विभिन्न भाषाओं पे अच्छी पकड़ थी, अच्छी खासी पकड़ थी। तो हुआ ऐसा कि अक्सर इनका पोस्टिंग ये इस्लामिक देशों में हुआ, क्योंकि इनकी उर्दू और पश्तो बहुत अच्छी थी, तो इनका पोस्टिंग हुआ ईरान, इराक, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। फिर अंत तक जाकर 1982 में पहली बार नॉन मुस्लिम देशों में उनका पोस्टिंग हुआ इंग्लैंड में। जैसा लंदन में हमारा दूतावास है, वैसा ही कई अन्य शहरों में विभिन्न देशों के एक कॉन्सुलेट होता है, वैसा ही हमारा एक कॉन्सुलेट इंग्लैंड के बर्मिंगहम शहर में भी है। वहाँ पे उनका उनकी नियुक्ति हुई थी एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ कॉन्सुलेट करके। तो उनके घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि चलो पहली बार एक आज़ाद मुल्क में, एक फ्री मुल्क में उनकी पोस्टिंग हुई है। लेकिन वो उनकी खुशी कुछ सालों के बीच में ही एक मातम में बदल गई। ये एक बड़ा खौफनाक वाकया है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज गुमनामी में चले गया है अनफॉर्चुनेटली। तो हुआ ऐसे कि JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम का एक आतंकवादी संगठन बना। उसका मकसद था जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ना, और वहाँ पे इंग्लैंड में तो फ्री ये है, वहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है, तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और उसी दरमियान एक उनके आतंकवादी संगठन का एक सदस्य जिसका नाम था मकबूल बट, वो हमारे यहाँ तिहाड़ जेल में बंद था,
उसे फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी की सज़ा इसलिए हुई थी कि उसने एक पुलिस कांस्टेबल का कत्ल किया था और उस जुल्म में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो सज़ा पे अमल होना बाकी था और उसका जो मर्सी पिटीशन था, दया का अर्ज, वो राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रलंबित था, पेंडिंग था। तो ये JKLF जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा खौफनाक प्लान बनाया और उसके चलते उन्होंने प्लान ऐसा बनाया कि ये जो हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर थे बर्मिंगहम में, उनका उन्होंने अपहरण किया। वो अपहरण बहुत एक सोची समझी चाल के तहत किया गया था। वो अपहरण की तारीख भी बहुत सोच के की गई थी। वो शुक्रवार था, 3 फरवरी 1984। उसके पीछे मकसद ये था कि शनिवार और रविवार को यूरोप में सब दफ्तरें बंद रहती हैं, फ्राइडे वीक रहता है वहाँ। तो उन्होंने सोचा कि भारत की मदद के लिए इंग्लैंड नहीं आएगा, बर्तानिया नहीं आएगा और भारत मजबूर होकर घुटने टेक कर मकबूल भट्ट की रिहाई कर देगा। इसी दुष्ट उद्देश्य के चलते उन्होंने रविंद्र महात्रे जी का अपहरण किया। वो तारीख जैसा मैंने आपको बताया, 3 फरवरी 1984। और उनकी एक ख़ास बात ये थी कि वो बहुत पर्टिकुलर थे, पंक्चुअल थे। विडम्बना ये है कि इतने बड़े हौदे पर रहते हुए भी उन्हें दूतावास के तरफ से कार स्पेशल नहीं थी, कार की सर्विसेज उन्हें नहीं मिलती थी, तो वो रोज़ बस से ही आना जाना करते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उन्होंने सहारा लिया था। और रोज़ तय समय पर ही वो आते थे, अपने घर के पास बस स्टॉप पर उतरते थे, घर चले जाते थे। एक रूटीन उनका लाइफ था, डिसिप्लिन सिस्टमेटिक लाइफ था। तो वही शायद उनका दैट माइट हैव प्रूव टू बी हिज अनडूइंग, ऐसा आज बोल सकते हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने उनका मुआयना किया होगा कि ये आदमी कब आता है कब जाता है, और जब उन्होंने पाया होगा कि ये एक तय समय पर आता है, तो उन्होंने शायद उसे अगवा करने का वो प्लान किया होगा और उसमें उन्होंने कामयाबी मिली होगी, ऐसा हम आज मान सकते हैं। तो उन्होंने जैसा ही वो बस से उतरे शाम के वक्त, तो वो उनके हाथ में केक थी। केक इसलिए थी कि उनकी जो बेटी थी उसका नाम था आशा, उसकी 14वीं सालगिरह थी 4 फरवरी 1984 को, इसलिए वो अपने बेटी के लिए केक लेके आ रहे थे। और बस से जैसे ही उतरे तो जो आतंकवादी जो पहले से छुपे हुए थे उन्होंने उनके ऊपर छक्का, 2-3 आतंकवादियों ने, और जो बाहर कार खड़ी थी उन्होंने उन्हें डाल के वो फरार हो गए उनके साथ। घर वालों को कुछ समझा नहीं, काफ़ी देर उन्होंने ये किया, वो दूतावास को फ़ोन किया। फिर देर रात के समय एक बहुत ही अभद्र लैंग्वेज में एक चिट्ठी एक वृत्तपत्र के कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जिसमें धमकी दी गई थी कि भारत सरकार मकबूल भट्ट सहित 10 आतंकवादियों को रिहा नहीं करता, और उन्होंने एक बहुत बड़ी फिरौती के रूप में एक बहुत बड़ी रकम भी मांगी थी, रैंसम मांगा था। वो ये दो मांगे यदि भारत सरकार पूरी नहीं करते हैं तो हम रविंद्र महात्रे जी का कत्ल कर देंगे। उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, जैसा कि उन्हें यह पता चला उन्हें खबर दे दी गई, उन्होंने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया और किसी भी तरह से उन्होंने आतंकवादियों के सामने झुकने से मना कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि भारत सरकार अभी झुकने को तैयार नहीं है, उन्होंने उनका कत्ल कर दिया बड़े बेरहमी से। और 5 फरवरी 1984 को रात को बर्मिंगहम से लगभग 40-45 किलोमीटर एक वीरान जगह पर उनका मृतदेह पाया गया। अब भारत सरकार के सामने विकल्प क्या थे, तो उन्होंने एक कड़ा संदेश देने की तय की इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने जो राष्ट्रपति जी के सामने, राष्ट्रपति महोदय जी के सामने जो उनकी मांग पड़ी थी, मर्सी पिटीशन पड़ी थी, उसे उन्होंने इमीडिएटली खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई और उनका मृतदेह उनके परिजनों को हवाले न करते हुए तिहाड़ जेल में ही उसको दफनाया गया। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस आतंकवादियों का किसी तरह से ग्लोरिफिकेशन न हो, इसीलिए उन्होंने वो मृतदेह देने से मना कर। अब इनका इंक्वायरी चलती रही, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन मामला अंजाम तक नहीं जा पहुंचा दुर्भाग्यवश। उसके कई कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वगैरह वगैरह, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक हमारे वीर को
कश्मीर के फॉर द काउज ऑफ कश्मीर और वो भी महाराष्ट्र और मुंबई के एक वीर को बलिदान देना पड़ा। इस बलिदान का देश तो बहुत दूर की बात है, महाराष्ट्र और मुंबई ने भी इसे भुला दिया है, ये बड़ी दर्दनाक बात है ऐसा मेरा मानना है। एक महीने बाद क्योंकि ब्रिटेन में कानून कायदे कुछ अलग थे कुछ अलग हैं, तो उन्होंने सब प्रोसीजर कंप्लीट करके 16 मार्च 1984 को यानी एक महीने से भी ज़्यादा समय के बाद उनका जो पार्थिव है वो मुंबई लाया गया और उनका अंत्यविधि किया गया। 16 मार्च के दिन होली का दिन था, लेकिन उनका जो घर था, उनके भाई का घर जहाँ के उनके वृद्ध माता पिता बाद में रहा करते थे, वो विक्रोली जो सेंट्रल मुंबई का एक उपनगर है वहाँ पे रहते थे, तो उस दिन पूरे विक्रोली में उन्होंने होली नहीं मनाई थी, बंद मनाया गया था और बड़े ही शोक संतप्त वातावरण के अंदर उनकी अंत्येष्टि की गई, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। इस दर्दनाक घटना के ऊपर हाल ही में एक 2 साल पहले 23 जुलाई 2017 को मोहन अत्रे नाम के एक थाने के व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, वो किताब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये किताब है। किताब का हेडिंग है अमृतस्य पुत्र रविंद्र हरेश्वर म्हात्रे। इसमें उन्होंने ये पूरी स्टोरी का कथन की है कि कैसा हुआ क्या हुआ, उनके परिवार ने इस दर्दनाक हादसे को किस तरीके से लिया, किस दृढ़ता के साथ लिया, ये भी एक हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्शवत ये घटना होगी। तो उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ दिन बाद, हत्या के कुछ दिन बाद स्वयं बम्बई पहुंची अकेली, और वो जैसे ही सांताक्रूज हवाई अड्डे से सीधे वो विक्रोली गई, राजभवन नहीं गई, किसी को बुलाया नहीं, कोई एस्कॉर्ट नहीं लिया, कोई मंत्री संतरी नहीं लिया, वो सीधे उनके घर पहुंची। घर पहुंचते ही वो रविंद्र म्हात्रे जी के माता जी के पास जाके बैठी, उनके माता जी की आयु उस समय 75 वर्ष की थी, और उन्होंने उस शोक संतप्त माता को का सांत्वन किया। तब उनके माता ने जो शब्द निकाले वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, एक सबक हमारे लिए हो सकता है। उन्होंने कहा, मैडम मैंने आज आपका बेटा राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। एक 75 साल की एक बूढ़ी माँ अपने वरिष्ठ बेटा को खोने के बाद भी ये धीरज रखती है, ये देशवासियों के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए और उन स्मृतियों को हमें जगाते रखना चाहिए, यही मेरा एक कहना है। उसके बाद इंदिरा गांधी वहाँ से सीधी हवाई अड्डा चली गई और वहाँ से वह दिल्ली लौट गई, उसके कोई कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रविंद्र म्हात्रे की शहादत को सलाम करने के लिए एक भारत की प्रधानमंत्री खुद आके गई थी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद अभी करीबन 33-34 साल बीत गए हैं, हम भूल गए हैं, देश भूल गया है, बम्बई भूल गया है, लेकिन विक्रोली की एक संस्था है क्षात्रक्य सभा करके, वो आज भी हर 5 फरवरी को वो एक जगह मिलते हैं, वो प्रार्थना सभाएं होती हैं, उनके स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। तो मेरा ये कहना है देशवासियों से और युवा पीढ़ियों से, शहर शहर से कम महाराष्ट्र में, कि क्यों ना हम सब मिलकर इस दिन में इस सोलेमली इस घटना को याद करें, क्योंकि हमारे लिए ये हीरो हैं, भले ही वो हमारे शत्रु हैं इनके लिए विलन हो गए, और जो हमारे लिए विलन है वो शत्रु के लिए हीरो है, ये तो दुनिया की संसार की रीत है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमारे हीरो का तो हम सम्मान कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है, तो हम क्यों ना ये करें। अब पुणे में भी लोग, लाखों लोग, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की, लाखों लोग रोज उस पुलिया से गुजरते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 5-10-15% के अलावा किसी और जनसामान्य को इस घटना की मालूम होगा कि ये जिस नाम के ऊपर इस पुलिया का नामकरण किया है उनका इस देश के लिए क्या बलिदान है, कश्मीर के लिए क्या बलिदान है, देश के लिए क्या बलिदान है। वो तो सैनिक नहीं थे, लेकिन वक्त आने पर असैनिक को भी लड़ना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, यही संदेश इसमें हुआ। तो मुझे लगता है कि इस घटना को हम याद रखें और उस दिन के लिए हम प्रार्थना करें जिस दिन उनकी शहादत हुई थी,
तो वही देश के लिए बहुत बड़ी सेवा। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जब उनकी शहादत हुई थी उनकी आयु सिर्फ 49 साल की थी जी। 49 की उम्र में, ये कोई जाने की उम्र नहीं है, लेकिन एक युवा उम्र में ही उनको जाना पड़ा, देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। और ये शख्स के बारे में कई स्टोरियाँ इस किताब में भी लिखी हुई हैं, उसमें से एक ही स्टोरी मैं आपको साझा करना चाहूँगा। उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उनका पोस्टिंग पीओ में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुआ था। तो एक दिन पंडित नेहरू ने अपने स्टाफ को कहा कि मुझे एक फलाना फलाना फाइल चाहिए, देश के सुरक्षा संबंधी वो बहुत अहम धारणी है फाइल है। लेकिन उस फाइल मिल नहीं रही थी तो प्रधानमंत्री बहुत बेचैन थे। जब रविंद्र महात्रे जी के पास ये वार्ता पहुंची तो उन्होंने वो चाहा कि वो खुद प्रधानमंत्री के सामने हाजिर हुए, और प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैंने वो फाइल 15 दिन पहले पढ़ी है और आप जो चाहते हैं उसमें क्या लिखा था वो मुझे पूरा याद है, एक एक शब्द याद है, तो आप चाहे तो मैं उसे पूरा रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इस घटना के बाद प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हुए, वो फाइल मिली नहीं मिली ये तो हमें पता नहीं। लेकिन एक ऐसा भी अवसर था कि जो 15 दिन पहले पड़ी हुई फाइल को पूरा रिकलेक्ट करके वो प्रधानमंत्री श्री के उच्च पदस्थ अधिकारी के सामने ये हिम्मत कर सकता था कि हाँ कोई बात नहीं मैं हूँ और मैं उसमें धारणी में उस फाइल में क्या लिखा था वो आपको बताना चाहता हूँ मेरे मेमोरी के आधार के ऊपर। तो ऐसे बहुत गिने चुने अवसर होते हैं कि जो इस तरीके से डेडिकेटेडली, और ऐसे डेडिकेटेड अफसर को खोना ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है, यही संदेश इसमें से जाता है। तो हो सकता है आतंकवादियों के बैक ऑफ द माइंड में उनका ये भी एक विशेष गुण होगा, दैट माइट हैव प्रूव्ड टू बी हिज अनडूइंग, नो वन नोज। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हालांकि सबूत तो नहीं है, उनके रविंद्र महात्रे जी के जो दोस्त थे जो परिजन थे उनसे भी जब इस किताब के लेखक ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा ये हो सकता है कि ये भी एक उनका गुण उनकी हत्या के पीछे रहा होगा, लेकिन सबूत नहीं दे सकते। तो ये ऐसे विभिन्न एंगल्स है इस हत्या के लिए, आखिर सत्य तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा, वो हमेशा ही रहस्य की चादर ओढ़ेगा। लेकिन हमारे हाथ में इतना ही है कि इनकी शहादत को हम याद करते रहें, यही आज का संदेश है।